ये है मिस्टर माउस मैकेनिक और आज ये आपको बताएंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी से कैसे 5000 वोल्ट का स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है और ये उखाड़ ली इन्होंने कार से बैटरी और ये रहा इनके द्वारा बनाया गया सर्किट डायग्राम और नीचे है इसका रिटर्न पाथ जिसकी वजह से हो जाएगा सर्किट कंप्लीट। अब यहां आती है एक समस्या, 12 वोल्ट की बैटरी स्पार्क प्लग के गैप में एक स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती और ऐसा क्यों? क्योंकि इस काम के लिए 5000 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी और यहां आती है पिक्चर में इग्निशन कॉइल जिसका काम है बैटरी की लो वोल्टेज को लेकर हाई वोल्टेज में परिवर्तित करना, इतनी हाई कि वो स्पार्क प्लग के गैप में स्पार्क प्रोड्यूस कर सके। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हमको एक स्विचिंग डिवाइस और ये काम इस टाइम मिस्टर माउस मैकेनिक कर रहे हैं। जैसे ही पावर सप्लाई जाएगी तो करंट प्राइमरी कॉइल से होता हुआ बैटरी में वापस चला जाएगा जिससे प्रोड्यूस होगी एक मैग्नेटिक फील्ड और जैसे ही स्विच बंद होगा मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर जाएगी जो दूसरे कॉइल में एक और मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगी और इसी की वजह से बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जो सीधा स्पार्क प्लग में जाकर एक स्पार्क को प्रोड्यूस कर देगी। अब है सवाल की बारी, भारत की किस मोटरसाइकिल कंपनी ने डिजिटल ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है?